नमस्कार दोस्त, मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ वीएसपी के चैनल पे। ठीक है, यानी कि विकास स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ का हिस्ट्री। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे किस हिसाब से सैंपल पेपर आया हुआ है और उसको हमें कैसे करना है, क्योंकि हमें पता है कि जो अपना मिड टर्म का पेपर है वो स्टार्ट हो गया है 17 तारीख से, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस चीज़ को समझ के रखिएगा। और ये जो सैम्पल पेपर मैं जो करवा रहा हूँ ये सीबीएसई के वेबसाइट से मैंने निकाला है, और उसमें से, क्योंकि देखो सीबीएसई के वेबसाइट पे जो सैम्पल पेपर आया है ये फुल सिलेबस का है, लेकिन इनमें से जो आपका S1 में जो पूछा जा सकता है उनको मैंने अलग से लिख रखा है, और उसी चीज़ को मैं आपको बताऊंगा कि देखो इस साइड में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो सीबीएसई के साइड से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उनमें से ही कुछ क्वेश्चन हमें दिखाई दे देते हैं। ठीक है, बाकी अलग से मैं सैंपल पेपर खुद से डिजाइन करूंगा ताकि आपको और भी बेहतरीन क्वेश्चन सामने ला पाऊं। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैक्सिमम मार्क्स की बात करो तो 80 नंबर का है और 3 घंटे का आपका ये एग्जाम रहेगा। साथ ही साथ बात करते हैं यहाँ पे, तो 5 खंडों में डिवाइड है, ए बी सी डी इस तरीके से, और इसके अलावा 34 क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि 1 से लेकर 21 जो क्वेश्चन है वो 1 अंक के हैं, यानी कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। और इसके अलावा 22 से 27 जो है ये 3 अंकों के क्वेश्चन है, जिनको हमें 60 से 80 वर्डों में करना है। ठीक है ना, और इनसे अधिक नहीं होना चाहिए। देखो लिखा है साथ ही साथ कि इससे अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई सारे बच्चे होते हैं ना 3 अंक के क्वेश्चन में पता लगता है 2-3 पेज भर के चले आए, तो नंबर आपको 3 ही नंबर मिलेंगे, लेकिन इससे अधिक होगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आगे बात करते हैं, 28 से 30 जो होगा ये होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब जो दीर्घ उत्तरीय होंगे, और ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग से इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग भाग है, क्योंकि आप देखिए 3 क्वेश्चन है 28, 29, 30, तो आपको पता है 24 नंबर के जो क्वेश्चन है वो आपको यहीं से मिल जाएंगे। इसके अलावा इसको आपको करना है 300 से 350 शब्दों में इसको करना है। आगे बात करते हैं खंड डी की, तो प्रश्न संख्या 31 से लेकर 33, ये जो 3 जो प्रश्न है ये स्रोत आधारित प्रश्न है, यानी कि इसमें पैसेज दिए रहते हैं और उन पैसेज को देखना है और उसको आपको सॉल्व करना है। प्रत्येक जो होगा ये 4 अंकों का होने वाला है। और इसके अलावा 34 नंबर का, मतलब 34वां जो क्वेश्चन है वो है 5 नंबर का, और ये है आपका मैप वर्क। ठीक है, इसके अलावा अलग अलग क्वेश्चन है जिनके अलग अलग विकल्प दिए गए हैं, जैसे ये 8 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे चॉइस वाले क्वेश्चन दिए गए, यानी कि 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, बीच में और लिखा रहेगा, तो चाहे आप इसको करो चाहे इसको करो, है ना। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना, जरूर पढ़ना, ऐसा नहीं कि इसी चीज को देख लिया और पेपर में आया तो पढ़ा नहीं, पढ़ो जरूर, क्योंकि वो अगर आप पढ़ लोगे तो इससे ये तो रहेगा कि सियोरिटी मिल जाएगी कि हाँ इस तरीके की चीज पूछी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित जानकारी की सहायता से सातवाहन वंशों के शासक की पहचान करें, तो यहाँ पे कुछ वाक्य कहे गए हैं और ये हमें इन वाक्यों को पढ़ के पता करना है कि कौन से शासक ने इस चीज को बोला था। ठीक है ना, तो इस चीज को हमें पता करना है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे पहला लिखा है कि उन्होंने एक यानी कि सातवाहन जो वंश है वो अपने आप को अद्वितीय ब्राह्मण बताए थे, और साथ ही साथ क्षत्रियों के गौरव को नष्ट करने वाले क्षत्रियों के गौरव को नष्ट करने वालों का दावा किया था, और साथ ही साथ उन्होंने यह भी दावा किया था कि यह सुनिश्चित किया कि 4 वर्णों के सदस्यों के बीच कोई अंतर्विवाह ना हो, यानी कि इन्होंने ये कहा था कि जो 4 वर्ण होते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनके बीच में कोई अंतर्विवाह ना आए, यानी कि इन अंदर के कास्टों में कोई विवाह नहीं होता इनमें। ठीक है, और ये किसने बोला था, तो ये बोला था गोमती, ये देखिए पुत्ता लिखा है, ये गोमती पुत्र है, गोमती पुत्र श्री सातकनी ने इस चीज को बोला था, तो इस चीज को याद करके रखिएगा। हालांकि देखिए थोड़े से क्वेश्चन डिफरेंट है ये, और इस तरीके के क्वेश्चन शायद ही देखने को मिले, बट कोई नहीं, आप इस चीज को भी तैयार करके रखेंगे तो ज्यादा ही सही रहेगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो पहला ही क्वेश्चन था जो हार्ड क्वेश्चन में से एक है, लेकिन इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन है सारे आसान ही है। अगला लिखा है कि निम्नलिखित में से किसने पहली शताब्दी ईस्वी में पहले सोने के सिक्के चलाए, तो कुषाण वंशों ने चलाए थे। ये तो मैंने वीडियो के दौरान इतनी बार मैंने बोला है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, याद करके रखना कि ये पूछो मत, इम्पोर्टेंट ही इम्पोर्टेंट है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित का मिलान करें, तो सही विकल्पों का चयन, तो यहाँ पे देखिए कुछ हमें सूची दी गई है और कुछ यहाँ पे दूसरी सूची दी गई है, तो यानी कि यहाँ पे स्थल के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे
किस वजह से ये फेमस है, ये स्थान किस वजह से फेमस है इस चीज का वो दिया गया है। तो देखिए, लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा और नागेश्वर। तो बात करते हैं लोथल किस चीज के लिए फेमस है। तो देखिए, लोथल की अगर मैं बात करूँ तो बनाने के लिए, क्या चीज बनाने के लिए, कोई भी जो वस्तु हुआ करती थी उस चीज को बनाने के लिए लोथल फेमस है तो नहीं। ठीक है, कार्लिनियर के निकट का स्रोत है, ये सही है, यानी कि कार्लिनियर जैस्पर, ये जो पत्थर था ना, उस चीज के लिए ये ज्यादा सुटेबल रहेगा। इसके अलावा कालीबंगन की अगर मैं बात करूँ तो कालीबंगन किस चीज के लिए फेमस था, तो यहाँ पे जुताई के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा बात करें तो जलाशय मिला हुआ है। तो इस तरीके से देखा जाए तो पहला का हो जाएगा बी, दूसरे का हो जाएगा सी, और तीसरे का हो जाएगा, तीसरे का धौलावीरा का होगा, जलाशय यहाँ पे मिलाते हैं, यहाँ पे हो जाएगा डी। तो बी सी डी, और इसका तो जाहिर से बचा एक ही ऑप्शन, तो यहाँ पे ए हो जाएगा। तो अब इसमें से देख लेते कौन से में ये है। तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, हाँ ये पहला, पहला वाला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि ए आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें से देखना है और जो भी स्थान फेमस है उस वजह से आपको इसमें करना है। यहाँ पे देखिए, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये जो है ना, कन्वर्ट करके इंग्लिश में सैंपल पेपर आया था, उस चीज को हिंदी में कन्वर्ट कर किया गया है, तो कुछ वर्ड मिस्टेक्स भी हो सकती है, इधर का उधर, उधर का उधर, तो आपको समझ के चलना है। ठीक है, बाकी जो मैं सैंपल पेपर डिजाइन आगे करूंगा उसमें तो बिल्कुल ही सारा चीज करेक्ट रहेगा, क्योंकि इसको इंग्लिश से हिंदी में करने में मिस्टेक तो होती ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतर विवाह की सही व्याख्या करते हैं, यानी कि अंतर विवाह। तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि अंतर विवाह बहिर्विवाह क्या होता है। अंतर विवाह होता है कि एक ही समूह के भीतर शादी हो जाना, और बहिर्विवाह का मतलब होता है कि जो उनका ग्रुप होता है, जो समूह होता है, उनके बाहर शादी होना। ठीक है, इसको कहते हैं बहिर्विवाह। तो इसमें देखिए क्या लिखा है कि अंतर विवाह की सही व्याख्या क्या करती है। तो यहाँ पे देखिए, पहला लिखा है कि एक रिश्तेदार समूह के बाहर विवाह होना, बिल्कुल गलत है। एक परिवहन समूह के भीतर विवाह होना, बिल्कुल सही है। एक महिला जिसके कई सारे पति, ये तो दोनों तो बिल्कुल ही गलत, क्योंकि इसमें पत्नियों का जिक्र, इसको कहते हैं एक महिला के जिसके कई सारे पति होते हैं, उसको कहते हैं बहुपति, और इसको कहते हैं बहुपत्नी। तो यहाँ पे सही कौन सा होगा, यहाँ पे बी सही होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आगे समझते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई छवि को पहचानिए, यानी कि आपने जब बुक पढ़ा होगा तो उसमें, या फिर नोट्स देखा होगा तो उसमें एक राजा के ऐसा वो दिया गया था, तो ये पूछा जाता है किसका है। तो ये जो छवि अगर देखा जाए तो ये जो छवि थी, तो यहाँ पे कुषाण शासकों का ये छवि था। ठीक है, ये कुछ कुषाण शासकों का छवि है, क्योंकि आपके बुक में नीचे, इस चित्र के नीचे ही लिखा रहता है, तो उसको देख के आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये कुषाण वंशों का ही कोई राजा का मूर्ति है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए दृष्टिहीन बच्चों के लिए है, पांचवें के स्थान पे इस चीज को करना है। तो एक प्रशस्ति दी गई होगी, यानी कि एक पैसेज दिया गया होगा, और ये पूछा जाएगा आपको कि ये जो प्रयाग प्रशस्ति है किसने लिखा है। और ये क्वेश्चन तो, ये मान लीजिए कि जब से मैं टीच कर रहा हूँ तब से, मतलब 4 से 5 बार ये क्वेश्चन आया ही आया होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि दृष्टिहीन बच्चों के लिए आएगा, सबके लिए भी आ सकता है। ठीक है, तो इस चीज का आंसर हो जाएगा हरिसेन। हरिसेन ने इस पैसेज को लिखा था, इस प्रयाग प्रशस्ति को लिखा था, तो इसको भी इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सिक्स, अपने लिए खुद ही दीपक बनो, क्योंकि तुम सबको अपनी मुक्ति स्वयं ही करनी पड़ेगी। ये किसने बोला था, तो महात्मा बुद्ध ने बोला था। तो आप समझते हैं कि इनके बोलने का मतलब क्या है, इनकी सार क्या है। तो पहला लिखा है कि व्यक्ति को आंतरिक सत्ता से जुड़ना चाहिए, ब्रह्मचर्य का जीवन जीना चाहिए, व्यक्ति को ध्यान केंद्रित करना चाहिए, भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए, हर जगह धर्म का प्रचार करना चाहिए। अगर मैं देखूं तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, लेकिन इससे ब्रह्मचर्य का पालन करने का मतलब ये नहीं कि आप भगवान से जुड़ जाओगे, ये कोई सटीक पॉइंट नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें भी देखिए, ध्यान केंद्रित करना चाहिए और भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए, तो जरूरी नहीं है ये भी, और धर्म प्रचार करना चाहिए तो ये भी जरूरी नहीं है। पहले खुद के अंदर झांक के देखना चाहिए, तो आंतरिक सत्ता से जुड़ना ये सही हो सकता है, यानी कि ये पॉइंट सही है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक ने हीरियानगर का निर्माण कराया। तो यानी कि सातवां पॉइंट, ये जो विजयनगर साम्राज्य वाला मैंने पढ़ाया था उसमें आपको मैंने बताया था कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने हरियानगर का निर्माण कराया था। तो कौन सा था, संगम वंश ने इस चीज को कराया था, तो ये पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, रिक्त स्थानों को भरें। तो घोड़े के व्यापार में भाग लेने वाले विजयनगर साम्राज्य के स्थानीय व्यापारियों को क्या कहा जाता है, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, और मैंने इस चीज को बताया भी था। तो क्या नाम था इनका, कुदरई चट्टी नाम था। ठीक है, कुदरई चट्टी इनका नाम था, तो ये सी पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा।
नोट्स में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जिन बच्चों को नोट्स चाहिए यहाँ पे देखिए मैं समझाना चाहता हूँ कि जिन बच्चों को नोट्स चाहिए उनके लिए ऑप्शन क्या है। सबसे पहले वो हमारी ऐप पे जाएं, वहाँ पे कोर्सेज बने पड़े हैं, वहाँ से वो ले सकते हैं। इसके अलावा आप अगर इसके नोट्स चाहिए तो 7011912793 पे, ठीक है, 93 पे आप मैसेज कर सकते हैं और वहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं। साथ ही साथ इस सैंपल पेपर का आंसर की भी आप वहीं से ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सभी बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ से अगर हमारे पास कॉल करते हो तो आपको सारे चीज़ का गाइडेंस मिलेगा, ठीक है। नोट्स कैसे आप परचेस कर सकते हो, कैसे ले सकते हो, ये सारी चीज़ बातें बताई गई हैं, ठीक है। साथ ही साथ ऐप पर भी आपको ये सारी चीज़ मिल जाएगा, तो विकास स्टडी पॉइंट का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से चिश्ती सिलसिला का सही क्रमानु कालक्रम के अनुसार उस चीज को लिखना है हमें, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से चिश्ती सिलसिला का सही जो कालक्रम है उस चीज को लिखना है, तो देख लेते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया, दूसरा लिखा है शेख फरीदीन जंग सिकरी, तीसरा लिखा है शेख नसरुद्दीन चिराग दहली, और चौथा लिखा है मयुद्दीन जिस्ती। तो अगर आप बुक में अगर देखे होगे तो ये 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 सब सीरियल वाइज में दिया होगा, 1 2 3 4 करके। तो इसका कहने का मतलब ये है कि चारों को चारों सही क्रम में ऑलरेडी लगे पड़े हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ टिक को देखना है कि क्या इसमें ऑप्शन में दिया है 1 2 3 4, तो हाँ दिया हुआ है, लाइन से दिया हुआ है, तो यहाँ पे ए पॉइंट बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे समझते हैं, दसवां अगर बात किया जाए तो निम्नलिखित दो कथन, वही कथन और कारण वाली बात है, उसी चीज को हमें देखना है। तो लिखा है पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को हड़प्पा लिपि गुड़ लगती है, गुड़ का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा मुश्किल लगती है, बिल्कुल सही बात है, मुश्किल तो थी इसलिए उसको पढ़ा नहीं गया है। आगे हड़प्पा लिपि आज तक स्पष्ट नहीं, यानी कि इस चीज का अर्थ नहीं निकाल सकते हैं, निकाला गया है, तो ये जाहिर सी बात है दोनों ही बात सही है और एक दूसरे के पूरक भी हैं, तो इसलिए दोनों ए और आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करते हैं, यानी कि ए पॉइंट बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगला देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित को सही विकल्प के साथ पूरा कीजिए। तो किताबुल हिंद किसने लिखा था, अलबिरूनी ने लिखा था, तैयला किसने लिखा था, तो इबन बतूता लिखा था, ये तो मैंने ऑलरेडी बता ही रखा था कि सभी बुक्सों के नाम याद करके जरूर लिखिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि फ्रांसवा बर्नियर किस पुस्तक को लिखा था, ठीक है। तो इस चीज को बताइए, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ यार, देखो कहने का मतलब ये कि सीरियस रहोगे तो 17 तारीख अभी है टाइम आपके पास, मतलब मोटा मोटी अगर देखा जाए तो 18 दिन के आसपास है आपके पास टाइम, कुछ भी कर सकते हो, आप चाहो तो दोबारा पढ़ सकते हो, पूरी की पूरी चीजों को पढ़ सकते हो, बस ये है कि पढ़ने का एक जज्बा होना चाहिए। बाकी जो क्वेश्चन है और भी इसमें जो दिए हुए हैं जो कि आपके सिलेबस से मतलब मिड टर्म में जो नहीं पूछे जाएंगे, फाइनल में पूछे जाएंगे, उनको मैंने ऐसे येलो रंग का कर रखा है ताकि इस चीज़ को आप ध्यान ना दो, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को देखो जो कि आपके मिड टर्म में इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन नहीं है। अगला समझते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और निम्नलिखित विकल्पों में से सही का चयन करें। तो क्या लिखा है, फ्रांसवा बर्नियर राजकुमार दारा सिको के साथ निकटता से जुड़ा हुआ था, हाँ इसलिए जुड़ा था क्योंकि क्योंकि वो आया था डॉक्टर मतलब जो दारा सिको था राजकुमार जो दारा सिको था उसका ट्रीटमेंट करने के लिए आया था, इनकी दवाई वाई करने के लिए आया था, तो उस इसके लिए तो ये पॉइंट सही लग रहा है। आगे बर्नियर ने देश के कई हिस्सों की यात्रा की और लेख लिखे, तो जाहिर सी बात है ये भी पॉइंट सही है। उन्होंने अपना प्रमुख लेख फ्रांस के राजा औरंगजेब को समर्पित कर दिया, ये गलत है, XIV को समर्पित किया था, तो ये दो पॉइंट सही है, बाकी गलत है। तो यहाँ पे देखिए दो पॉइंट यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे समझते हैं, अगला लिखा है 16वां क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन क्या लिखा है हमारा, 16वां क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु का सिक्का मुगल साम्राज्य के दौरान प्रचलित था, तो कौन सा था, सिल्वर प्रचलित था, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे समझते हैं, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी, तो किसने की थी, लॉर्ड कार्नवालिस ने की थी, तो यहाँ पे ए पॉइंट बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके टर्म टू के हैं, तो जब टर्म टू आएगा तो इसको दोबारा मैं करवा दूंगा, ठीक है। अभी समझ लेते हैं मिड टर्म का, क्योंकि फोकस आपके मिड टर्म पे होना चाहिए, अभी जो आपका जो प्री बोर्ड होगा या मॉक टेस्ट होगा उसमें भी टाइम है, तब तक पूरा सिलेबस हो ही जाएगा, ठीक है।
और बाकी समझते हैं। अगला लिखा है 22वां, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने के लिए किन्हीं तीन स्रोतों का वर्णन कीजिए। कोई तीन स्रोत बताइए जिसकी वजह से हमें हड़प्पा को समझ सकते हैं। तो यार इतने सारे स्रोतों के बारे में मैंने जिक्र किया था कि हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या मिला है। हड़प्पा सभ्यता में वहाँ के नगरी सभ्यता देखने को मिली है, साथ ही साथ वहाँ पे जलाशय देखने को मिला है, साथ ही साथ चित्रात्मक लिपि देखने को मिली है, अभिलेख देखने को मिले हैं, बहुत सारी चीजें मिली है। और बहुत सारे चीज मैंने आपको बताया भी है, पढ़ा तो मुद्राएं मिली हैं, विलासिता की वस्तुएं मिली है, कब्र मिली है, उसी को एक्सप्लेन कर देना, अच्छे से नंबर मिलेगा यार, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, फटाक से कर सकते हो। 3 नंबर है, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट दो या हेडिंग दो, उसको एक्सप्लेन कर दो, नंबर तुरंत मिलेंगे, तो इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे समझते हैं, या इसको अटेम्प्ट कर लो चाहे इसको कर लो। तो देखो इसमें क्या लिखा, हड़प्पा जल निकासी प्रणाली की 3 विशेषताएं। तो आपको पता है वहां पे जल निकासी प्रणाली बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि घर से सटे हुए छोटे से नाले, मतलब नाला हुआ करता था, मतलब नालियां हुआ करती थी, और आगे जाके बड़े नाले में मिल जाता था, और वो आगे जाके नदियों में मिल जाती थी। तो इस तरीके से जो घर का वेस्टेज पानी होता था वो बाहर निकल जाता था। जैसे आज के टाइम पे आप देख सकते हो, आपके घर के सामने नाली बनी होगी, है ना, और जाके आगे जाके बड़े नाले मिल जाती है। तो इस तरीके की चीजें हैं। देखो कभी भी कोई भी पॉइंट पढ़ो तो रिलेट करके पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीजें, और इसके अलावा नालियों को ढक के रखा जाता था ताकि बीमारी ना फैले, ठीक है, तो ये सारी चीजें उसमें की जाती थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 22वें का, तो मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, कथन को वो कर सही मतलब जांचिए, ठीक है। तो इसमें बेसिकली करना क्या है कि मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे मगध के अगर मैं बारे में बताऊं तो 16 महाजनपदों में जो मगध था वो सबसे नंबर 1 पे था। इसके साथ साथ मगध क्षेत्र में उपज बहुत ही अच्छी हुआ करती थी, लोहे के खदान भी हुआ करते थे यहाँ पे, और इसके साथ साथ लोहे के खदान होने से वहाँ पे उपकरण अच्छे से बनाए जा सकते थे, ठीक है, नदियों के रास्ते यातायात बहुत अच्छा हुआ करता था, यहाँ पे योग्य शासक भी हुआ करते थे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे राजधानियों को सुरक्षित रखा गया था। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम 3-4 पॉइंट लिख के और बढ़िया से एक्सप्लेन कर दोगे ना, टीचर बिल्कुल खुश हो जाएगा, एकदम बढ़िया से नंबर देगा। और मैं दावा करता हूं कि अगर स्टार्टिंग के क्वेश्चन आपके सारे सही होते हैं तो बाद के क्वेश्चन को टीचर उतना ध्यान नहीं देगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला देखिए, ये जो है ये तो नहीं आ रहा है, बट ये देखते हैं 25वां, विजयनगर साम्राज्य के जल संसाधनों के विषय में विशेषताएं बताइए। तो आपको पता है विजयनगर में जो पानी था वो नहीं था, बेसिकली विजयनगर की 2 नदियां थे, तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी, और वहां से जल लेके आया जाता था। तो कैसे आता था, 2 जलाशय बनाए गए थे, एक कमलपुरम जलाशय और हीरिया नहर, और इनके द्वारा प्रशासन केंद्रों तक पानियों को लेकर आया जाता था। तो इसकी विशेषताएं बहुत ही बेटर ढंग से मैंने 7वें चैप्टर में करा रखी है, जिन बच्चों ने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप सर्च मारो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे चीजों को देखिए, बहुत ही बेहतर ढंग से करेंगे। जिन बच्चों ने इस चीज को, इस सैंपल पेपर को देखा है या देख रहे हैं, उनको खुद ही पता लग रहा होगा कि नोट से कितना ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है इन बच्चों को, ठीक है ना। आगे समझते हैं 26वां क्वेश्चन, लिखा है कि जोतदार की शक्ति जमींदारों की शक्ति से अधिक प्रभावशाली थी, उपयुक्त तर्कों के साथ कथन देखिए। ये जो क्वेश्चन देखिए ये इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन यहाँ पे एक चीज बता दूं, अभी भी ये मैं यूट्यूब पे या फिर अपने ऐप पे नहीं कराया हूँ, बट ये कोशिश मैं करूंगा कि 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मैं इस चीजों को अपने ऐप और यूट्यूब पे डाल दूं, ताकि दोनों बच्चों के लिए ज्यादा यूजफुल रहे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले समझ लीजिए, एक होता है जमींदार, जमींदार के पास भूमि बहुत ज्यादा हुआ करती है ना, और ऐसा ही हुआ करता है जोतदार, लेकिन जोतदार के पास जरूरी नहीं है कि भूमि ज्यादा हुआ करती है, ये क्या करेंगे, दूसरे पे अपने ताकत मतलब कब्जा करेंगे। इनके पास अपने बॉडीगार्ड वगैरह हुआ करते थे, अपने आदमी हुआ करते थे, ये जिसको चाहते थे उसको मारते थे, ठीक है, कई सारे भूमि पर कब्जा कर रखे होते थे, ठीक है। तो एक तरीके से मान लो दबंग टाइप में, जोतदार क्या थे, एक तरीके से दबंग टाइप में, और जो जमीनें इनके पास हुआ करती थी उस पर दूसरे के दूसरों के द्वारा काम करवाया करते थे। तो जाहिर सी बात है ज्यादा ताकतवर हुए करते थे, और जमींदार मतलब क्या है, जमींदार के जमींदार कौन थे, जमींदारों के पास अपना खेत हुआ करता था, उस पे वो काम धाम किया करते थे। आगे चल के क्या होता, कई बार जोतदार जो थे, जोतदार कई सारे लोगों की जमीनों को भी छीन लिया करते थे। तो जो कि मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि जोतदार और जमींदार में क्या अंतर है, ठीक है। तो अभी इस चीज को करके रखते हैं, और बाकी आंसर की इसका मैं दे दूंगा, तो वहां से आप चीजें तो देख ही सकते हैं। अगला देखते हैं, कला और साहित्य ने 1857 की स्मृति को जीवित रखने में मदद की है, भारतीय दृष्टिकोण से उदाहरण दीजिए। ये भी आपके इस वाले सिलेबस में नहीं आ रहा है, ठीक है, ये अगले वाले सिलेबस में आएगा, ठीक। तो इस चीज को करके रखते हैं और इसको भी कर लेते हैं, ये आपके अगले उसमें आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं,
अगला लिखा है इसमें, हालांकि ये जो दोनों क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही बेटर क्वेश्चन है, करोगे तो समझ में आ जाएगा जब मैं चैप्टर कराऊंगा। तो अगला सी नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, सेक्शन सी का, और ये जो क्वेश्चन है ये बड़े बड़े क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो एक्सप्लेन भी तो बहुत ही अच्छे ढंग से करना पड़ेगा। तो देखिए क्या लिखा है, महाभारत काल के दौरान देखे गए पारिवारिक संबंधों का वर्णन कीजिए, ठीक है। और इसके साथ साथ दूसरा क्वेश्चन है, भारत काल के दौरान संसाधनों तक पहुंच के सामाजिक निर्यातों का वर्णन कीजिए। तो इस दोनों क्वेश्चन में करना क्या है, पहले इस चीज को समझ लेते हैं। तो इसमें लिखा महाभारत काल के दौरान देखे गए पारिवारिक संबंधों, यानी कि जो भी चीज आप महाभारत में समझे थे परिवारों के बारे में, जैसे पितृवंशिकता, विवाहों के बारे में आपने देखा था, अंतर विवाह, बहिर्विवाह, गोत्र में शादी नहीं हुआ करती थी, साथ ही साथ विवाह के नियम, ठीक है। और इसके अलावा परिवारों के बारे में, ठीक है, और पितृसत्तात्मक क्या होती थी, ये जितनी भी चीजें मैंने आपको कराई है सब की सब इस 8 नंबर के क्वेश्चन में, यानी कि जो जो चीज आपको याद आता रहेगा ना सब लिखते हुए जाना, ठीक है, क्योंकि सारी की सारी बातों की इसमें जिक्र की गई है, ठीक है। क्योंकि परिवारों के बारे में पूछा जा रहा है तो परिवारों के बारे में तो लिखोगे, साथ ही साथ ये भी लिखोगे परिवार पितृवंशिकता के हिसाब से चलता था, लेकिन आगे चल के जब मनुस्मृति आई तो मनुस्मृति के हिसाब से जो सारे बेटों में प्रॉपर्टी को समान रूप से बांटा जाता था, ये सारी बातें आप इसमें लिखेंगे। साथ ही साथ अगर मैं इसमें बात करूं तो दूसरे में क्या लिखेंगे, महाभारत काल के दौरान संसाधनों तक, संसाधन का मतलब एक तरीके से वही, अब देखिए पिता के मरने के बाद जो संसाधन होता है वो बच्चों को कैसे मिलता है, यानी कि उनकी प्रॉपर्टी बच्चों को कैसे मिलती है, तो जाहिर सी बात है पहले मिलता था कि बड़े बेटों को मिलता था, यानी कि पितृसत्तात्मक चलती थी, लेकिन आगे चलकर मनुस्मृति जब आया तो उसमें कहा गया कि भाई देखो विवाह से अगर बचना है, लड़ाई झगड़े से बचना है, तो आप क्या करो, आप करो सिंपल सी बात, सभी में एक समान डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो कई सारे राज्यों की बेटे नहीं हुआ करते थे, तो उस टाइम पे जो बेटियां हुआ करती थी वो अपने पिता की संपत्ति का उपभोग करती थी, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के बारे में हमने पढ़ा भी है, प्रभावती गुप्त के बारे में पढ़ा है, तो इन सब चीज के बारे में हम इसमें लिखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन है, दोनों में जितनी भी 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो कम से कम ये समझ लो कि कम से कम आगे और पीछे कम से कम 2 पेज तो लिखना ही लिखना है 8 नंबर का क्वेश्चन, तभी जाकर अच्छा नंबर मिल पाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगला लिखा है ये जो क्वेश्चन है ये तो नहीं आएगा क्योंकि अगला वो तो आपके नेक्स्ट सिलेबस का है, लेकिन ये देखिए उन तरीकों का परीक्षण कीजिए जिससे ग्राम पंचायत और ग्राम प्रधानों ने मुगल ग्रामीण समाज को नियंत्रण कर रखा। तो देखिए ग्राम पंचायत बेसिकली होता क्या है, ग्राम पंचायत आपको पता है गांव के लिए होता है, तो सबसे पहले ग्राम पंचायत का डेफिनेशन लिखोगे, उनके कार्य लिखोगे, और फिर उसके बाद लिखोगे कि ये कैसे कंट्रोल किया करते थे। तो कंट्रोल का मेन मकसद ये है कि गाँव के झगड़ों को कौन सुलझाता है, ग्राम पंचायत सुलझाती है या फिर ग्राम का प्रधान सुलझाता है। तो उनमें आप यही लिखोगे कि अगर कोई कोई समाज में कोई गलत काम करता है या फिर कोई ऐसी चीज करता है जिसकी वजह से दूसरों को नुकसान हो रहा है, तो उस टाइम पे ग्राम पंचायत पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेती है और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, और जरूरत पड़ने पर उनको गांव से निष्कासित भी कर दिया जाता है। तो ये सारी चीजों के बारे में इसमें लिखोगे, जो कि अभी जब मैं चैप्टर कराऊंगा तो उसमें आप कर लोगे, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस चीज को बहुत ही अच्छे ढंग से करोगे, क्योंकि कई सारे बच्चों को खुद ही पता होगा कि ग्राम पंचायत क्या होता है, उनके कार्य क्या होते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं, अगला सेक्शन है डी सेक्शन। तो इसमें आपको मैंने बताया था कि इसमें आपको पैसेज दिए रहेंगे, तो ऐसा भी नहीं कि पैसेज बहुत ईजी है, और इस चीज को देखना है और करना है। तो पैसेज कुछ इस तरीके से दिए रहेंगे, जैसे सांची का झलक का ये है 4th चैप्टर का, तो सांची 19वीं शताब्दी में, तो इसमें देखिए इसमें बेसिकली लिखा है कलिंगम आता है और यहाँ के जो सांची में घूमता है, और घूमने के बाद वो यहाँ का मैप तैयार करता है। देखिए ये लिखा है ना कि कई हफ्ते तक यहाँ पे रुकता है और यहाँ के अवशेषों की जांच करता है और यहाँ पे चित्र बनाता है, ठीक है, यहाँ के अभिलेखों को पढ़ता है, साथ ही साथ यहाँ के गुम्बदनुमा ढांचे को बीचों बीच खुदाई की, और इसने इस खोज के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी पुस्तक लिखा था। तो कलिंगम जो आया था तो यहाँ पे इतने सारी चीजें किया था। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अलेक्जेंडर क्वेश्चन पूछा गया, अलेक्जेंडर कलिंगम के लिए सांची की दिलचस्पी क्यों होती थी, दिलचस्पी इसलिए थी क्योंकि ये जो सांची है वो एक तो पुराना था और दूसरा एक बचा हुआ जो अवशेष है, आपको पता है दो, एक अमरावती का स्तूप था, एक सांची का स्तूप था, तो सांची का स्तूप बच गया था क्योंकि वहां की बेगमों ने इस चीज को बचा लिया था, लेकिन अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया था, तो जो बचा हुआ जो स्तूप था उस चीज की जांच पड़ताल करने के लिए कनिंगम आया था, तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, साथ ही साथ वो यहाँ पे रुक के चित्र बनाया था और यहाँ के अवशेषों की जांच करना चाहता था, और साथ ही साथ वो पुस्तक की रचना किया, तो ये सब चीजों की वजह से वो बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी लेता था सांची में।
आगे बात करते हैं सांची का बौद्ध धर्म से क्या संबंध है। तो देखिए बौद्ध धर्म से संबंध यही है कि सांची का जो स्तूप है, जाहिर सी बात है बहुत अशोक ने क्या किया था, बौद्ध भवन से जुड़ी हुई जो उनकी अस्थियां हैं, जो अवशेष हैं, उन चीजों को गड़वा के और वहीं पे अपना ये स्तूप बनवा दिया था। और साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो इस हिसाब से डिजाइन किया गया है सांची के स्तूप को कि लोग जब जाते हैं वहां पे तो उनको मतलब एक तो गोलकार टाइप में ऐसा कुछ करके गुंबद दिखाई देता है, और यहाँ पे आस्था और प्रार्थना बहुत ही बेटर तरीके से किया जा सकता है। तो इस वजह से इसका बहुत ही ज्यादा महत्व तो और संबंध भी बहुत ज्यादा है। आगे समझते हैं शाहजहां बेगम ने सांची की स्तूप का संरक्षण कैसे किया। तो संरक्षण कैसे किया, तो सबसे पहली बात तो जो भी अंग्रेज और जो भी फ्रांसीसी आए थे, जो भी यूरोपियन आए थे जो चीजों को लेने के लिए, तो उनको उन्होंने प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी की बनी हुई चीजों को दे दिया। और जो सांची में जो ओरिजिनल जो चीज थी वो ओरिजिनल सांची में ही रह गई, और जो दूसरों को दिया गया था वो पीओपी का बना के दे दिए। और इससे क्या हुआ, सांची का स्तूप बचा रहा। साथ ही साथ बात करते हैं वहाँ पे इन्होंने संग्रहालय बनवाया, और इसके अलावा संग्रहालय के अलावा वहाँ पे अतिथिशाला बनवाया, ठीक है, ताकि लोग वहाँ पे आए, चीज़ों को देखे और वहाँ पे रह सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ उन्होंने इस चीज़ को करवाया था। तो ये तीन क्वेश्चन थे और इनको आप कर सकते हो, और 4 नंबर के क्वेश्चन हुआ करते हैं, तो 1 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर इस तरीके से, तो इसको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखिए इनको इस चीज़ को आपको पढ़ना है और इसका नीचे जो दिए गए हैं इसका जवाब देना है। तो ये जो है मीराबाई का जो उन्होंने गीत लिखा है उस चीज़ के ऊपर आधारित है। तो क्वेश्चन क्या है पहले इस चीज़ को देख लेते हो। तो क्या लिखा है, मीराबाई को तपस्वी कहने के कारणों का परीक्षण कीजिए। तपस्विनी हम ये उनको क्यों कहते हैं, तो सिंपल सी बात है, तपस्विनी हम उनको इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने जो मार्ग अपनाया था वो कठोर मार्ग अपनाया था, और कठोर मार्ग मतलब यही है कि भक्ति में हमेशा लीन रहती थी। उनका जो जन्म हुआ था एज ए राजकुमारी के तौर पे तो हुआ था, लेकिन वो पूरा ही कृष्ण भगवान के प्रेम में लुप्त रहती थी, और साथ ही साथ उन्होंने कृष्ण भगवान को पाने के लिए बहुत सारे तपस्याएं किए, और अंत में जाके कृष्ण भगवान उनको मिले भी, और इस तरीके से हम कह सकते थे कि वो तपस्विनी है, ठीक है। और साथ ही साथ बात करते हैं मीराबाई के मेड़वार के साथ संबंध क्या था। तो जाहिर सी बात है संबंध यही था कि उनकी शादी हुई थी मेड़वार के जो राजकुमार थे वहां से शादी हुई थी, लेकिन आगे चल के उनके जब पति की डेथ हो जाती है, तो हालांकि वो पहली बात तो अपने पति को पति मानती ही नहीं है, वो पति मानती थी कृष्ण भगवान को, और उन्हीं के प्रेम में इधर उधर भटका करती थी, घुमा करती थी, तो गेरुआ वस्त्र धारण करके वो घुमा करती थी, ठीक है। तो संबंध उनका यही है कि वो उनकी शादी हो गई थी कि मेड़वार के राजकुमार से, तो इस वजह से संबंध यही है। आगे बात करते हैं भक्ति आंदोलन के कवि संतों में मीराबाई अद्वितीय हैं। अद्वितीय इसलिए है क्योंकि देखिए राजकुमारी जो है इनका जन्म एज ए राजकुमारी के तौर पे हुआ था, और जाहिर सी बात है राजकुमारी का जन्म मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। एक तो अच्छे घराने में इनका जन्म हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी जो मीराबाई थी इन्होंने उन सारे सुख सुविधाओं को त्यागा, और आगे चल के इन्होंने वैराग्य धारण किया, और फिर उसके बाद कृष्ण भगवान की भक्ति में वो लीन हो गई। और शादी भी हुआ तो राजघराने में ही हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने पति को पति नहीं मान के घर से वो निकल गई, और फिर जगह जगह पे घूमती रही, गाती रही, और अपने गीतों में समाज के बारे में जिक्र करती रही। तो ये सारा चीज लिखा हुआ है, जैसा कि अगर आप पढ़ सको तो इसको पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि तो वीडियो लंदी होती जा रही है, इस वजह से हम इस उसको पढ़ेंगे नहीं। अच्छा ये जो है ये एज इट इज मैंने रख दिया है इसलिए क्योंकि मैंने इसको हिंदी में कन्वर्ट इस वजह से नहीं किया है क्योंकि ये आपका मतलब का नहीं है, क्योंकि ये नेक्स्ट सिलेबस का है, और ये लास्ट वाला जो चैप्टर अपना संविधान वाला है उस चीज से है, ठीक है। तो इसका तो कुछ है ही नहीं लॉजिक, इस वजह से मैंने इसको कन्वर्ट नहीं किया। और बाकी अब कर लेते हैं मैप का क्वेश्चन, मैप तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका मैप भी करवाऊंगा मैं। तो देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरीके से कि अमरावती, राखी गढ़ी, आगरा, इस मैप में आपको अमरावती, राखी गढ़ी और आगरा भरना है। साथ ही साथ यहाँ पे दो स्थान दिए ऑलरेडी दिए जाते हैं और उन चीजों को आपको करना है। कौन कौन से स्थान दिए गए थे पहले इस चीज को बता दूं, यहाँ पे एरो करके ऐसे ये एरो करके इस जगह को पूछा जाता है ये क्या है, और दूसरा इस जगह के लिए एरो करके पूछा गया था तो ये क्या है। तो हमें पता है यहाँ पे एक कोलकाता है जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये थी झांसी। और साथ ही साथ ये जो ऊपर के जो क्वेश्चन है ये अमरावती, राखी गढ़ी, आगरा, तो ये इनमें भरा हुआ है। तो देखिए राखी गढ़ी ये हो गया, आगरा ये हो गया, विजयनगर ये हो गया, अमरावती ये हो गया, ठीक है। तो इन चीजों को आप समझ कर रखिएगा, मैप के क्वेश्चन में करवाऊंगा तो उसमें सारा चीज कवरअप हो जाएगा। मैप के क्वेश्चन, पैसेज के क्वेश्चन,
ए टू जेड। मैं भाई साहब देखो, मैं यही चीज मैं बोल रहा हूँ कि जिस भी हिसाब से अगर मैं तैयारी करूंगा उस हिसाब से करना, एक भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि जितनी भी चीजें मैंने करवाया है उतने में से ही सारी चीज पूछी जा रही है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हमारे नोट्स इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उस चीज को ले पढ़े, अच्छे से पढ़ेंगे तो ही हो पाएगा। आखिर ये चीज आप लोग के लिए बनाई जा रही है। बस इतना है कि थोड़ा बहुत चार्जेस हम इसलिए ले लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो टीम है उनको भी तो पैसा देना ही पड़ता है ना, तो इस वजह से। बाकी सारा चीज आपके सामने है, किसी भी चीज में कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। और बाकी वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताएं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरीके के जो जो सैम्पल पेपर है आपको मिलता ही है। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय।